ओवैसी के बयान पर सावरकर के पोते का पलटवार। इन दिनों वीर सावरकर को लेकर देश में फिर से बहस छिड़ी हुई है। दरअसल एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका लिखी थी। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में कहा है कि सावरकर के बारे में झूठ फैलाया गया है। बार बार ये कहा गया कि उन्होंने जेल से रिहा होने की मांग करते हुए ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिका दायर की थी। महात्मा गांधी ने उनसे दया याचिका दायर करने के लिए कहा था। इसको लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये लोग महात्मा गांधी की जगह सावरकर को दे देंगे, जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया था। ओवैसी के इस बयान पर वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने पलटवार किया है। रंजीत सावरकर ने ट्वीट किया, मुझे नहीं लगता कि गांधी राष्ट्रपिता हैं। भारत जैसे देश का एक राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, हजारों ऐसे हैं जिन्हें भुला दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनके दादा ने माफीनामा नहीं लिखा था, बल्कि जेल में बंद सभी क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए ये एक दया याचिका थी। क्या कहा था राजनाथ सिंह ने? बता दें कि मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि महात्मा गांधी के कहने पर ही जेल में बंद सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। सावरकर को लेकर गलत तथ्य फैलाए गए। उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई बार अंग्रेजों को दया याचिका लिखी, लेकिन सच ये है कि गांधी जी के कहने पर ही सावरकर ने ये सब किया था। वहीं सावरकर के पोते रंजीत का दावा है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिससे ये बात साबित होती है कि गांधी जी ने याचिका लिखने के बारे में सावरकर को सलाह दी थी। राजनाथ सिंह के बयान के बाद तेज हुई राजनीति को लेकर उन्होंने कहा है कि इस मामले पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनाथ सिंह के भाषण में बोले गए शब्दों को दूसरे तरह से समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।